Hello all, welcome to the channel. This is Astha. I hope you all are doing great. Guys, in today's video, we'll discuss about the two latest and biggest opportunities for all of you. Guys, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस कंपनी एंड तोशिबा से आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए, जिसमें सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. इफ यू बिलोंग टू टेक्निकल डिग्रीज, आई हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अगर बी बीटेक एम एम टेक किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, और एल्स इफ यू हैव डन एनी ग्रेजुएशन, वी हैव ओपनिंग्स फॉर यू. तो सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ होने वाली हैं. कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों जॉब रोल हम डिस्कस करने वाले हैं. बेस्ट पार्ट इज सैलरी आपको यहाँ बहुत अच्छी ऑफर होने वाली है. तोशिबा भी गोइंग टू ऑफर यू सैलरी अप टू 9 लाख पर एनम, जो कि बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल फ्रेशर्स. ओके, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करेंगे क्या जॉब रोल है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हाउ यू नीड टू अप्लाई. So all details I'm going to share in this video. Make sure to watch this video till the end. Before proceeding, एक ही request है, अगर अभी तक job search कर रहे हो, channel को subscribe नहीं किया है, software non software coding non coding jobs देखना चाहते हो, channel को subscribe करो, daily basis पर आपको notification यहाँ पर मिल जाएंगे. So guys, video को start करते हैं. सबसे पहले discuss करते हैं about Toshiba company. Guys, Toshiba यहाँ पर hiring कर रहा है for trainee engineer position. All 2022 batch pass outs can apply. अगर आप 2022 batch को belong करते हो, इसमें apply definitely कर देना. And अगर आप इनके अलावा किसी और batch को belong करते हो, 2016 से लेकर 2022, 2023 तक, आप Infosys में apply कर सकते हो. So guys, first हम discuss करते हैं about Toshiba. Toshiba is hiring for trainee engineer. 2022 pass outs can apply. Toshiba एक software India company है guys, and it's a very good company, no doubt in that. Okay, here they are hiring all engineering graduates. Post graduates willing to participate in the development of the next generation software. Okay, यहाँ पर 2022 batch के सभी pass out apply कर सकते हैं. You should have good communication and interpersonal skills. Trainee engineer की जो position होती है Toshiba में guys, if you have really good skills and if you perform really well, उनके recruitment process में अगर अच्छे से perform करते हो, आप में skills है, knowledge है, they will going to offer you salary up to 9 lakhs per annum. It's true. I am an HR by profession. बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. 6 लाख से इनका सैलरी स्टार्ट होता है, 9 लाख पर एनम तक जाता है. डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस दे आर गोइंग टू डिसाइड द पैकेज. ओके, यहाँ पर गाइस आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए. तो आई बिलीव अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, बी बीटेक किया हुआ है, यू ऑल हैव दैट कैपेबिलिटी, राइट? सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग आप सभी को आती होगी. आईओटी का नॉलेज आपको है, नहीं है वो आप देख लीजिए, नहीं है तो आप इसे ले सकते हो. हार्डली 1 वीक में आप आईओटी सीख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट. गुड इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी होनी चाहिए. ट्रेनी इंजीनियरिंग का पोजीशन है, बैंगलोर इज द वर्किंग लोकेशन गाइज, एंड हियर ऑल ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स मीन्स बी बी टेक एम ई एम टेक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ईसीई एंड आईटी में अगर आपने किया हुआ है, यू ऑल कैन अप्लाई. अलॉन्ग विद दैट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, स्ट्रॉन्ग सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो यही इनकी रिक्वायरमेंट है गाइज. स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल इससे रिक्वायरमेंट. तो अगर ये स्किल्स हैं आप में, डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर दो. ऑल 2022 बैचेस पास आउट्स कैन अप्लाई. एंड इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका अबव 70% होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया कॉम्पिटिशन को कम कर देगा, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके 70% एंड अबव नहीं होते. तो इफ यू हैव 70% एंड अबव, यू नीड टू वर्क हार्ड एंड यू नीड टू परफॉर्म वेरी वेल इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सो दैट आपका जो पैकेज है वो 9 लाख तक जा सके. सो गो अहेड गाइस, अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आई विल शेयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाली है, सो गाइस इनका फर्स्ट रहेगा असेसमेंट टेस्ट. अगर आप उस असेसमेंट टेस्ट को क्लियर करते हो, then you need to go for technical test and then you need to go for technical interview and then HR interview. तो ये इनकी complete procedure होने वाली है. बहुत अच्छी हायरिंग होगी, काफी ज्यादा नंबर्स में हायरिंग होगी, पैकेज काफी अच्छा मिलने वाला है, तो मिस आउट नहीं करना, ठीक है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस इंफोसिस की तरफ से. इंफोसिस हायर कर रहा है फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव रोल. इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नॉन कोडिंग जॉब रोल, और कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, बीबीए, बी बी टेक, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस पोजिशन इफ दे आर इंटरेस्टेड इन नॉन कोडिंग प्रोफाइल. ओके, ये एक नॉन कोडिंग प्रोफाइल होने वाला है. पुणे इज द वर्किंग लोकेशन. इन्फोसिस बीपीएम लिमिटेड यहाँ पर हायरिंग कर रहा है, बल्क में हायरिंग होने वाली है. ऑल फ्रेशर्स कैन अप्लाई, ऑल ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई. ओके, यू नीड टू हैंडल कॉल्स हियर एंड यू टू डील विद द क्लाइंट्स फॉर ट्रबल शूटिंग देयर क्वेरीज. यू नीड टू मीट डेली टारगेट्स. तो ये इनका प्रोसेस होने वाला है. मीन सिंपली इट्स अ कस्टमर सर्विस काइंड ऑफ रोल. अगर आप कोडिंग प्रोफाइल्स में नहीं जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं जाना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोफाइल. इसका बहुत सिंपल सा इंटरव्यू रहने वाला है. आपको अप्लाई करना है, देन यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द एचआर. दे विल चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपका पीपीओ में कितना नॉलेज है,
वो चेक किया जाएगा, आपको बीपीओ क्या होता है, कस्टमर सर्विस क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है बीपीओ लाइन का, डेफिनेटली शेयर करना अपने रिज्यूमे में एंड एचआर के साथ, आपको उसका प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसमें जो आपको पैकेज ऑफर होने वाला है गाइस, दैट इज अप टू 3.6 लाख पर एनम, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस दे आर गोइंग टू डिसाइड द पैकेज। सो गो अहेड अप्लाई फॉर बोथ द जॉब रोल्स, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, बोथ जॉब रोल्स आई हैव शेयर्ड विद यू। सो गाइस, इस तरह के डेली वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं, जो भी एमएनसी अपडेट्स आती है मैं शेयर करती हूँ चैनल पर। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अप्लाई करते रहना, जो भी प्रोफाइल्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं, काफी सारी अपडेट्स ऑलरेडी चैनल पर हैं, एक बार चेकआउट कर लेना एंड अप्लाई कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू अपडेट। थैंक यू, बाय बाय।